हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक हैं, वेरी गुड। दोस्तों, आप हमेशा स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। आपके परिवार के सभी सभी लोग हमेशा स्वस्थ और अच्छे रहें और सुखी रहें, दुख उनसे कोसों दूर रहें, आपके भी और आपके परिवार के लिए। ठीक दोस्तों, दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री के हाई स्कूल लेवल के लगभग सही फार्मूले बता दिए हैं। ठीक है, इस वीडियो में आपके लिए ट्रिग्नोमेंट्री यानी त्रिकोणमिति की अभ्यास शुरू करवा रहा हूँ। एक्सरसाइज है प्रश्नावली 8.1। ठीक, अब देखिए इसमें क्या कह रहे हैं। 8.1 में त्रिभुज एबीसी में एक त्रिभुज है, ठीक, एबीसी दोनों जिसका कोण बी समकोण है, बी समकोण है। ध्यान से देखना दोस्तों, एक ट्रायंगल हो गया, ठीक, ए बी सी, ए बी सी, ठीक, जिसका जो बी है वो क्या है, समकोण है, यानी 90 डिग्री। ठीक, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं बुक से। बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। जो ए बी दिया है वो इन्होंने आधार जिसे बोलते हैं, ए बी क्या है, आधार 24 सेंटीमीटर। और बी सी 7 सेंटीमीटर, और जो बी और सी सी दिया है ये क्या दिया है, 7 सेंटीमीटर। देखिए दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति का यूज हम क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं? कोई भी एक त्रिभुज, ठीक, ट्रायंगल की अगर दो भुजाएं दी हैं या दो कोण दिए हैं, तो उस तीसरी भुजा या तीसरी कोण को निकालने के लिए हम ट्रिग्नोमेंट्री का यूज करते हैं, त्रिकोणमिति का। ठीक, अब इसमें इन्होंने करा क्या है भाई, ए बी दे दिया, आधार दे दिया, और बी सी लंब दे दिया। मैंने बताया था पिछली वीडियो में, जो लंब होता है वो खंबे की तरह खड़ा होता है, यानी जो खंबे की तरह खड़ा हुआ है, आधार लेटा हुआ है, जैसे हम लोग आधार या किसी चीज का आधार यानी बेस। ठीक, और जो तिरछी ये ऊंचाई है ए सी, ये इसे बोलते हैं हम तिरछी ऊंचाई, जो सीढ़ी लगी होती है दीवार पे एकदम, उसे हम बोलते हैं कण। क्या बोलते हैं, कण, तिरछी ऊंचाई को। तो देखिए, अब कण इन्होंने दिया नहीं है, दो भुजाएं दे दी हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कण को निकालने, किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। देखो भैया, आंसर आंसर कह रहे हैं, सबसे पहले पाइथागोरस त्रिमेय की तीसरी भुजा निकाल लो। तो त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी में बी 90 डिग्री है, यानी समकोण है। ठीक है, तो फॉर्मूला पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय देखिए क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर, यानी कि कर्ण क्या है, एसी, एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी, बी सी, बी सी का स्क्वायर। ठीक भाई, कर्ण नहीं दिया है एसी, तो एसी ऐसी रहेगा, एसी स्क्वायर इजल टू ए बी, क्या दिया, ए बी दिया है 24 का स्क्वायर, और बी सी क्या दिया है, 7 का स्क्वायर। ठीक, तो ए सी स्क्वायर इजल टू 24 का स्क्वायर निकाल दिए। शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ इसमें, मैं ध्यान से देखना, एक कैसे शॉर्ट ट्रिक में हम स्क्वायर निकालते हैं। सबसे पहले हमें करना क्या है, जो इसका इकाई का अंक है ना, उसका स्क्वायर क्या हो गया, 4 चौक 16,
क्या 16, तो 16 के हो गए 6। करने में अभी कर दूंगा, मैं आपको समझा रहा हूं। 16 के 6, हासिल लगा एक, हासिल एक। अब कुछ नहीं करना, दहाई को इकाई से गुणा कर दो, 2 चौक 8, और जो 8 आया उसे इसकी पावर जो स्क्वायर है उससे गुणा कर दो, तो जो 2 चौक 8, 8 दूना 16, 16 में जो हासिल बचा 17, तो 17 के फिर से 7, फिर हासिल एक आ गया, फिर हासिल एक आ गया। ठीक, अब दहाई का स्क्वायर कर दो यानी वर्ग कर दो, 2 का स्क्वायर 2 दूना 4 और एक हासिल 5, 576। ठीक, सही है। प्लस 7 का स्क्वायर 49, तो ए सी स्क्वायर इजल टू 9 6 15 5, हासिल 1, 8 4 12 2, हासिल 1 625। ए सी भाई स्क्वायर इधर से हटाया तो इधर क्या हो गया, रूट छा गया 625। ठीक है, तो ए सी बराबर 625। अब 625 का स्क्वायर रूट क्या हुआ, वर्गमूल 25 गुणा 25, 25 जा 625, तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, स्क्वायर से रूट काट दिया तो ए सी बराबर 25। ठीक, देखो वर्ग एक बार देख लो, अगर आपको निकालना है रूट इज इसका वर्गमूल 625 का निकालना है तो 625 का मैं बता दे रहा हूँ। इसमें क्या करते हैं, राइट हैंड की तरफ से हम जोड़ा बना लेते हैं। क्या करते हैं, जोड़ा, जोड़ा होता है हमेशा दो चीज़ों का जोड़ा होता है, तो दो नंबर को जोड़ा बना लिया। अब बचा क्या, एक नंबर खाली, 6 बचा, तो 6 को हम देख लेंगे। ठीक, अब 6 को ऐसे पहाड़े में देखते हैं, कोई भी हम पहाड़ा पढ़ेंगे तो उस पहाड़े को अपने ही नंबर तक पढ़ना है। जैसे 2 का पहाड़ा 2 तक ही पढ़ेंगे, 3 का 3 तक, 4 का 4 तक, 5 का 5 तक, यानी जो भी पहाड़ा पढ़ेंगे उसे अपने ही नंबर तक पढ़ेंगे। ठीक, जैसे अब 2 का पहाड़े 2 दूना 4, 6 से भी कम है और नंबर से कमी लेना है संख्या से, 2 दूना 4, 3 3 9, भाई 6 से 9 ज़्यादा हो गया, या तो पूरा पूरा कट जाए, डिवाइड हो जाए उस पहाड़े में आ जाए, और नहीं आता तो उस संख्या से कमी लेना है, तो 2 दूना 4 आ जाएगा, 2 दूना 4, 2 यहाँ आएगा तो 2 यहाँ पे भी आएगा और 2 इसके नीचे भी आएगा। इसे प्लस कर देते हैं और इसे माइनस कर देते हैं, 6 में से 4 गया 2 और ये हो गया 2 और 2 4। ठीक, अब 25, 25 को हम नीचे उतारेंगे, जोड़ा ही हमेशा जोड़ा, देखिए दोस्तों क्या होता है, जोड़ा हमेशा चलता है और ये हमारी पुरानी परंपरा रही है कि जोड़े को ही साथ में जब जाता है ना तो उसी को वैल्यू दी जाती है। जैसे साहब जब एक नई शादी होती है ना तो ससुराल में जब हस्बैंड और वाइफ का जब जोड़ा जाता है, पति पत्नी का जोड़ा जाता है तो ज़्यादा वैल्यू मिलती है। ठीक, कहीं पति अकेले चला जाता तो वो वैल्यू नहीं मिलती, या पत्नी अकेले चली जाती वो वैल्यू नहीं मिलती, वह जब दोनों साथ देखे जाते हैं तो यानी जोड़ा गया, क्या गया, जोड़ा, तो वर्गमूल में हमेशा जोड़ा ही चलता है। ठीक, तभी जब वैल्यू मिलती है, नहीं तो नहीं मिलेगी। आप भी याद रखियो, कभी ससुराल जाओ तो जोड़े में ही गई हो, जोड़ा मीन्स पेयर, PAIR, पेयर, अंडरस्टैंड। देखिए 25 आ गया नीचे, जोड़ा संग में चल गया। अब हमें यहाँ पे क्या नंबर लेना है कि या तो 225 पूरा कट जाए और नहीं कटता तो उससे कम लाएं। जो भी नंबर लेंगे पहले उस नंबर को अपने ही नंबर तक, यानी जो भी पहाड़ा लेंगे उसको अपने ही तक, अपने ही नंबर तक पहाड़ा पढ़ना। जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पे 4 ले लिया, ठीक, तो 4 चौक 16 के 6, हासिल 1, फिर इसके जो दहाई हो गया उससे गुणा, 4 चौक 16 और 1 हासिल 17, क्या है अभी कम है बहुत। ठीक, अभी क्या है, कम है, और आप में करके तो मैं समझा रहा हूँ, मुझे तो है पता। सपोज करो मैं यहाँ पे 7 लेता हूँ, क्या लेता हूँ, 7 लेता हूँ, तो 7 7 49 के मैंने 7 ले लिया, तो 7 की पहले 7 से कर देंगे, 7 7 49 की 9, हासिल बचा 4, और फिर 7 की 4 7 चौक 28 और 4
32 भाई अब ज़्यादा हो गया। ठीक, तो हम क्या करेंगे, अगर 5 लेते तो, मुझे तो पता है 5 ले लेंगे, मगर मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ 5 से ही हो जाएगा। 5 तो 5 की 5 से करेंगे, 5 5 25, 25 के 5 हासिल लगा 2, हासिल 2, और 5 की 4 से गुणा करी, 5 चौक 20, 20 में 2 जोड़ दिए 22। ठीक, जब 5 यहाँ आया तो 5 यहाँ पे भी, 5 में 5 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 2 में से 2 गया 0, सब 0 हो गया, क्या सब 0 हो गया, यानी कि क्या आ गया, ये एसी हमारा क्या आ गया 25, यानी ये हमारी क्या आ गई, ये वाली एसी जो कड़ा आया वो भुज्जा 25 आया। अब क्या कह रहे हैं, इसका फर्स्ट पार्ट देखिए। साइने और कौसे का मान ज्ञात कीजिए, साइने कॉमा कौसे का मान ज्ञात करना, तो साइने या साइन थीटा, बात कोई नहीं है, ठीक है, अल्फाबेट का चेंज है, लंबट्टे कर्ण, मैंने बताया था भाई, नहीं तो सामने ये लाल अपन काका उतार लो, खुद ब खुद समझ लोगे। ठीक, साइने लंबट्टे कर्ण, लंब हमारा साथ है, लंब बट्टे कर्ण, लंब हमारा क्या है 7 है, और कर्ण क्या है हमारा 25। आंसर, साइन ए की वैल्यू निकल गई, क्या निकल गई, साइन ए की वैल्यू निकल गई, ठीक 25। अब कौसे भैया, कौसे आधार बट्टे कर्ण, ठीक, ऐसे आधार अपन कर्ण, तो आधार बट्टे कर्ण, आधार हमारा हो गया 24, आधार हो गया 24, पहले फार्मूला लिख लो, आधार बट्टे कर्ण, तो आधार हो गया 24, और कर्ण हमने निकाल लिया 25। ठीक, फर्स्ट पार्ट हो गया, अब सेकंड देखिए। सेकेंड पार्ट कह रहे हैं साइन सी और कॉस सी का मान ज्ञात करना, साइन सी और कॉस सी का मान ज्ञात करना। देखो दोस्तों, अगर कंडीशन चेंज हो सी में आ जाए, सी या पी, भाई साइन सी पूछ रहे हैं, अगर साइन पी पूछते तो साइन सी या साइन पी पूछते, तो इसमें हमारा कंडीशन क्या होती, जो आधार है, आधार 24 है तो वो लंब बन जाएगा, और जो लंब है वो क्या बन जाएगा, आधार बन जाएगा। ठीक, जैसे मेरी ध्यान से बात सुनना, अब ये हो गया हमारा ए बी, अब तक ए बी हमारा ये था, अब ए बी लंब हो गया, और सी, ठीक, बी सी हमारा क्या था, लंब था, अब बी सी हो गया आधार, यानी उल्टा हो गया, ए बी जब 24 हुआ तो ए बी क्या हो गया, अब 24 ही हो गया, और बी सी 7 था तो बी सी हमारा हो गया 7, ठीक, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, और कर्ण हमारा 25 ही रहेगा। ये साइन सी या पी में ये कंडीशन, सी या पी अल्फाबेट में ये कंडीशन यूज करते हैं। अब निकाल लो साइन सी, वही लंबट्टे कर्ण, लंब हमारा है 24 और कर्ण क्या हो गया 25, कॉस सी निकाल लो, अब आधार बट्टे कर्ण, आधार हमारा 7 हो गया और कर्ण क्या हो गया 25। आंसर, ठीक, साइन सी भी आ गया, कॉस सी भी आ गया हमारा, ठीक, और क्या करना, बस क्वेश्चन खत्म। अब क्वेश्चन नंबर 2 इसका देखिए, बिठालता हूं वैसे, क्वेश्चन नंबर 2,
क्वेश्चन नंबर दो देखिए दोस्तों, आकृति दी है इन्होंने, क्या दे दिया आकृति में, टेन पी माइनस कॉट आर। अब पी यहाँ पे दे दिया इन्होंने, बस आप समझ जाइए, और कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए। कर लो साहब क्वेश्चन नंबर दो आंसर। आकृति इन्होंने दी है पी क्यू आर, पी क्यू और आर, सही है। पी क्यू इन्होंने दे दिया 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, और पी आर दे दिया 13 सेंटीमीटर, पी आर दे दिया 13 सेंटीमीटर। सबसे पहले ये कौन सा समकोण त्रिभुज है, ठीक, इन्होंने लंब दे दिया, यानी खंबे की तरह जो खड़ा होता है वो लंब होता है, और उन्होंने तिरछी ऊंचाई यानी कि सीढ़ी की तरह है वो हमारा कड़, लंब और कड़ दे दिया, आधार नहीं दिया। तो सबसे पहले हम आधार निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय में से, ठीक, त्रिभुज पी क्यू आर एक समकोण है, समकोण है, ठीक। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से पहले पाइथागोरस प्रमेय निकाल लो, पी आर का स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, क्यू आर का स्क्वायर, और प्लस पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर, ठीक। पी आर इन्होंने दे दिया 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, ठीक। और क्यू आर, क्यू आर निकालना है तो क्यू आर ऐसे ही रहेगा, प्लस पी क्यू, पी क्यू दे दिया 12 का स्क्वायर। देखिए दोस्तों 13 का स्क्वायर, 13 का वर्ग क्या हुआ, 13 इंटू 13 यानी 169, 169। क्यू आर निकालना है, और 12 के स्क्वायर 12 इंटू 12 बराबर 144, क्या 144। दोस्तों ऐसा है कम से कम 25 तक वर्ग आपको मुंह पे एकदम याद होना चाहिए, ठीक, 25 से तक, 2 से लेके 25 तक का पूरा वर्ग आपके मुंह पे याद होना चाहिए, ठीक है, तभी जल्दी कैलकुलेशन कर सकते हैं। और नहीं तो मैंने जैसे बताया 2 अंकों में आ रहा है, कर लो। अब हमें निकालना क्या है, क्या निकालना हमें, क्यू आर स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए, क्यू आर स्क्वायर प्लस 144 बराबर 169, ठीक, इसमें कुछ नहीं अदला बदली कर दी, क्यू आर स्क्वायर प्लस 144 इधर ले लिया, और 169 जो LHS था वो RHS जो आ रहा है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं, क्यों दोनों हैं बराबर ही है ना, हमने करा क्यों, क्योंकि हमें क्यू आर निकालना है, ठीक। तो क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 169 और प्लस का 144 इक्वल यानी बराबर के इधर गया, तो माइनस का 144। हर वीडियो में बताता हूँ साइन अपोजिट हो जाता है, LHS से RHS की तरफ गया तो प्लस माइनस बन जाएगा, या माइनस प्लस बन जाएगा, या RHS से LHS की तरफ जाएगा, तो अभी यही कंडीशन हो जाएगी, साइन उल्टा हो जाए, जो प्लस होगा वो माइनस, जो माइनस होगा वो प्लस। क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू भैया 9 में से 4 गए 5, ठीक, 6 में से 4 गए 2, 1 में से 1 गए 0, ठीक, नहीं क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू 25। तो क्यू आर निकालना है हमें, क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू भाई स्क्वायर काट दिया, 25 पर रूट चढ़ा दिया, ठीक। तो क्यू आर इक्वल टू 25 यानी कि 5 का स्क्वायर, ठीक, 5 5 25, 5 इंटू 5
स्क्वायर से रूट काट दो तो क्यू आर, क्यू आर बराबर 5, यानी जो क्यू आर आया हमारा वो क्या आ गया, 5 सेंटीमीटर आ गया। क्या आ गया, 5 सेंटीमीटर आ गया, यानी पाइथागोरस त्रमेय से हमने इसकी तीसरी भुजा निकाल ली। अब आगे क्वेश्चन क्या करें, टेन पी माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए। टेन पी हमारे पास नहीं है, क्या नहीं है, टेन पी नहीं है, तो वही बात है, टेन पी के लिए आर जो लंब है उसे आधार बना लो और जो आधार है उसे लंब बनवा लो, ठीक। मैंने बताया था सी और पी के लिए, ठीक। अब जो आधार था वो लंब बन जाएगा आर क्यू, और जो लंब था वो आधार बन गया, ठीक, पी क्यू आर। यानी कि ये 5 हो गया और ये हो गया 12, 13 अपना ऐसे ही रहेगा, कर्ण को कुछ नहीं होता, कर्ण को कुछ हाथ नहीं है। अब टेन पी यानी कि लंब बट्टे आधार, लंब हो गया हमारा 5 और आधार हो गया 12। अब हम निकाल लो कॉट आर, कॉट आर इसमें कुछ नहीं करना, कॉट आर टेन का उल्टा कर दो, यानी कि आधार बट्टे लंब, आधार हमारा क्या हो गया 12, आधार इसमें से देखना है, आधार हो गया 5, आधार बट्टे लंब, लंब हो गया 12। ठीक, अब भैया फार्मूले से निकाल लो आप, टेन पी माइनस कॉट आर, ठीक है, टेन पी 5/12 और माइनस कॉट आर 5/12, ठीक। माइनस का 5/12 और प्लस का 5/12 कट गया, बराबर क्या बचा है, 0 आंसर। इसी की वैल्यू निकालनी थी, टेन पी माइनस कॉट आर की हमने निकाल दी, ठीक। दोस्तों देखिए अब आगे क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3, चलिए वो ही बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ध्यान से देखना दोस्तों, एक एक चीज क्लियर करवाते जा रहा हूं मैं, रास्ते में जो भी चीज आ रही है आपके, आपकी रास्ते का रुकावट नहीं बनी है, यानी आपकी क्वेश्चन का रुकावट नहीं बने, कहीं से आप दिक्कत में नहीं है, तो मैं एक एक चीज़ क्लियर करवाता चलता हूँ, ठीक, जिससे आप एक स्टेप भी नहीं छुड़वा रहा हूँ मैं, ठीक है, जिससे आप लोगों को दिक्कत नहीं हो। मुझे मालूम है सॉल्वर वगैरह होते हैं ना, उसमें भी कोई स्टेप काफ़ी सारी नहीं दी होती है, ठीक है, इसलिए मैं एक एक चीज़ क्लियर करवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन 3 है, यदि साइन ए इज इक्वल टू 3/4, साइन ए इज इक्वल टू 3/4, ठीक, तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात करना है, यानी कि कॉस ए का मान ज्ञात करना है और टेन ए का मान ज्ञात करना है, ठीक, कॉस ए और टेन ए का कर लीजिए। देखिए साइन ए यानी लंबट्टे कर्ण, लंबट्टे कर्ण, लंब हमारा ये हो गया और कर्ण हो गया लंबट्टे कर्ण, ये हो गया, ठीक। तो एक ए बी सी
लंब क्या हो गया? तीन, और कर्ण चार। ठीक, अच्छा हमारे पास आधार नहीं है, तो सबसे पहले आप आधार निकाल लिए तभी कौसे और टहने का माने। और आधार निकालने मैंने बताया था तीसरी भुजा निकालने के लिए, तीसरा कोण निकालने के लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय का यूज करना पड़ता है। ठीक, तो त्रिभुज ए बी सी समकोण है। ठीक, तो पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक, पाइथागोरस प्रमेय से यानी कि ए सी का स्क्वायर इजल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक, ए सी का स्क्वायर यानी चार दिया है ए सी, तो चार का स्क्वायर प्लस ए बी, ए बी उन्होंने दिया, ए बी निकालना है, इसे ऐसे लिख देंगे, और प्लस बी सी, बी सी दिया इन्होंने तीन, तीन का स्क्वायर। ठीक, चार का स्क्वायर चार इंटू चार यानी चार चौक सोलह, ए बी स्क्वायर निकालना है प्लस तीन का स्क्वायर तीन इंटू तीन, तीन थी नौ। ठीक, अदला बदली कर लो, यानी कि ए बी स्क्वायर प्लस नौ बराबर सोलह। ठीक, अदला बदली कर ली हमने, ए बी स्क्वायर को जो एल एच एस था उसे आर एच एस बना दिया, जो आर एच एस था उसे एल एच एस बना दिया। ठीक, क्योंकि हमें क्यों करना, क्योंकि ए बी की वैल्यू निकालना है, ए बी स्क्वायर बराबर 16 प्लस का 9 इधर है माइनस का 9, तो ए बी स्क्वायर इजल टू 16 में से 9 गया आपका कितना बच्चा 7। ठीक, तो ए बी बराबर रूट काटा और स्क्वायर काटा रूट चला दिए रूट 7। ठीक, यानी ए बी की वैल्यू क्या आ गई हमारी रूट 7, क्या आ गई रूट 7। अब निकाल लो भैया साइन ए, क्या साइन ए लंब बट्टे कर्ण, लंब हमारा हो गया 3 और बट्टे कर्ण हो गया हमारा 3/4। ठीक, और कॉस ए, कॉस ए हो गया आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण, आधार हो गया हमारा रूट 7 बट्टे आधार बट्टे कर्ण यानी 4। ठीक, ये हो गया हमारा आपका क्वेश्चन, यानी कि हमें कॉस ए, सॉरी हमें टेन ए की वैल्यू निकालना थी। ठीक है दोस्तों, थोड़ी ध्यान नहीं दे पाया था मैं, वैसे कोई बात नहीं, कॉस ए भी हम ऐसे ही निकालेंगे, निकालना मैं क्वेश्चन तीसरे में कॉस ए और टेन ए की वैल्यू निकालना थी, कॉस ए और टेन ए की, साइन ए की क्या कर दिया हमने निकाल के, वो तो निकली थी। ठीक है, समझाते में अपने आप को भूल जाते हैं। ठीक है, आप कि आप लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा कैसे समझ में आए, तो देखिए कॉस ए, कॉस ए आधार बट्टे, आधार बट्टे कर्ण, आधार कॉस ए आधार, आधार बट्टे कर्ण, कर्ण क्या है 4। ठीक, आंसर। और टेन ए, टेन ए यानी कि लंब बट्टे आधार, लंब हो गया 3 बट्टे आधार रूट 7, रूट 7। ठीक दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, बहुत ही सरल विधि से आप लोगों को पूरी करने की मैं कोशिश करता हूँ, बहुत ही सरल विधि से। ठीक है, एक एक पॉइंट को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो मेरी वीडियो सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए, जो बेचारे लोग हैं जिन्हें कोचिंग भी नहीं मिल पाती है या किसी कारण नहीं पढ़ पाते, तो वो अपने कम से कम मेरी कोचिंग ट्यूशन दे के पढ़ सके आराम से, और एक एक बिंदु में क्लियर करवा के रखता हूँ। ठीक दोस्तों, अच्छा चलने की इजाज़त दीजिए और आप लोग हमेशा अच्छे रहें, सुखी रहें। ठीक दोस्तों,
जय हिंद, जय भारत।